कैसे हैं आप सब? तैयार हैं आज के मुकाबले के लिए? आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, कौन जीतेगा? कपल नंबर वन, कपल नंबर टू या कपल नंबर थ्री? अच्छा, जो समझते हैं कि वन, वो हाथ उठाएं। दिखाइएगा जी जरा, कितने लोगों ने हाथ उठाया? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, थोड़ा सा इधर, 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 हाँ। अच्छा, जो समझते हैं कपल नंबर टू जीतेगा, वो हाथ उठाएं। भाई ज्यादा हाथ उठ गए ये तो हैं भैया। जो समझते हैं कपल नंबर थ्री जीतेगा, वो हाथ उठाएं। अच्छा भाई, टू के ज्यादा चांसेस हैं, तो देखते हैं आज कौन जीतता है, क्योंकि आज होने वाला है सतरंगी बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले, और देखेंगे कि आज के दिन कौन सा कपल बाजी लेके जाएगा, कौन कहलाएगा सतरंगी बेस्ट कपल। और आप लोगों को पता है ना कि जीतने वालों के लिए क्या क्या है? जी हाँ, जीतने वालों के लिए बहुत सारे इनामात, और एक्सप्रेस की तरफ से 10,000 रुपए, यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन, एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी, और हारने वालों के लिए भी कुछ हमने रखा है। ऐसी बात नहीं, हम हारने वालों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, हारने वालों के लिए भी बहुत सारे इनामात हैं, और 5,000 रुपए का इनाम भी है जी, क्योंकि उन्होंने की मेहनत के यहाँ तक पहुंचे हैं मेहनत करके। तो कल सतरंगी में थे 5 कपल, जिसमें से 3 को सिलेक्ट किया गया फाइनल के लिए, और बाकी 2 जो हैं वो हमें कल छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके नंबर्स थोड़े बहुत कम थे, इतने ज्यादा कम नहीं थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, हम अभी भी समझते हैं कि हम दुनिया के बेस्ट कपल हैं, और ऐसे ही समझना चाहिए हर कपल को। बहुत सारी तालियां लोगों के लिए जो कल जा चुके हैं, और जो आज हमारे कपल्स हैं उनको हम बुलाएंगे अभी, और आपको उनके कुछ व्यूज जो हैं वो भी दिखाएंगे, जो कल उन्होंने उनके दिल की हालात थे, जो उनके दिल के ख्यालात थे, कि वो क्या सोच रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में पहले कपल्स को बुला लें, हम पहले रीकैप्स दिखाते हैं। अच्छा ठीक है जी, पहले रीकैप्स दिखाएं कल के, उसके बाद हम कपल्स को बुलाएंगे कि आज जो हमारे फाइनल राउंड में जो कपल्स होंगे। जी दिखाइए रीकैप्स। आज होने जा रहा है मुकाबला सतरंगी बेस्ट कपल के लिए। बहुत सारी खवातीन को ये शिकायत होती है कि हम शादी से पहले जो हमारे हस्बैंड थे वो अब शादी के बाद वैसे नहीं रहे। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमने 26 साल गुजारे हैं, हमने ऐसी कोई खास चेंजिंग नहीं है, आज भी वही अंडरस्टैंडिंग है जो पहले दिन से। अच्छा जी, आप दोनों में से सबसे ज्यादा कुत्ते से कौन डरता है? लाइट चली जाए तो घर में सबसे ज्यादा हंगामा कौन करता है? ये हर घर की कहानी है। अभी भी है ना, पक्का दो साल। ये हर घर की कहानी है वैसे। औरतें मुझे सीधी लगी है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, खाना भी टाइम पे देती है, मैं ऑफिस से आता हूँ मेरा इंतजार करती है, रात को देर से सोती है और मेरे साथ फिल्में देखती रहती है। बस खाना खा के, बस खाना चाहिए और उसके बाद सो जाते हैं। बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, ना शॉपिंग भी लेके जाते हैं। हालांकि बुराई करते करते सबका दिल कर रहा था थोड़ी ज्यादा कर। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आपको लाइफ में सब्जी छीलना आए ना आए, एक दूसरे के बाल बनाने आए ना आए, लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो यू आर द बेस्ट कपल, ऑल 5 ऑफ यू आर बेस्ट कपल। मुकाबला होगा उसमें जो लोग जीतेंगे, क्योंकि अब इन तीनों में से कोई एक कपल ही जीतेगा, तो उसको मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी और 10,000 का कैश प्राइज, और 5,000 का कैश प्राइज होगा हारने वाले के लिए भी। खुश हो जाए अब आप। कपल्स को जिनके बीच आज मुकाबला होगा, और देखेंगे कि जीत किसकी होती है। तो सबसे पहले बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस आसिम रजा।
बैठिए जी। और इनके बाद मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस अतर अल्लाह खान। और जी अब हमारे लास्ट कपल आपकी बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस सैयद रमीज। क्या सोचा है आज कौन जीतेगा कौन हारेगा? जो ज्यादा मेहनत करेगा जो ज्यादा मेहनत करेगा या जिसने इतने अरसे ज्यादा मेहनत की है एक साथ रहकर। बिल्कुल है ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। वैसे तो दिल की धड़कन है बहुत तेज है, थोड़ा कॉम्पिटिशन लग रहा है, सख्त है और डर भी है। अच्छा आप क्या कहेंगे? डर लग रहा है। वो देखो बेगम की तरफ देख रहे हैं। आप बोले हैं डर लग रहा है, कंपटीशन बहुत टफ है आज। अरे कोई नहीं बहुत आसान चीजें और तुम लोगों का काम जरा कम है आज आज तुम्हारे जो मजाजी खुदा है उनका काम ज्यादा है आज आज सारा बोझ आप लोगों पे है भाई, आज देखेंगे क्या होता है। अच्छा जी व्यूज कर लिए थे हमने, वो दिखाएंगे जरा ऑडियंस को, दिखाइए जी। हम सतरंगी में आज फर्स्ट नंबर आए हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल के हम अपना लेवल को बरकरार रखें। फजूल खर्च सबसे ज्यादा कौन है दोनों में से? शादी में जाने के लिए कौन तैयारी में ज्यादा वक्त लेता है? फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे। हाँ जी अपनी बीवी की तारीफ करें एक सांस में। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और सांस ले लिया। आसिम बहुत बुरे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, रुजाला को बहुत डांटते हैं, मुझे चाट नहीं खिलाते, गोलगप्पे खिलाने नहीं लेके जाते। कपल नंबर टू के नंबर्स, फोर नंबर। बस हमारी यही दुआ है कि हम कल इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट ही रहें। देखें जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। कपल नंबर टू के नंबर और सबसे ज्यादा नंबर है हमारे टीम नंबर टू यानी कपल नंबर टू के 24, क्योंकि हमें सतरंगी बेस्ट कपल। भाई सबने सोचा था आप जीतेंगे, हमने भी ये सोचा था हम जीतेंगे। और टाई नहीं बननी, क्या ख्याल है? टाई नहीं बननी। देखिए कल के नंबर्स आज काउंट नहीं होंगे, आज नया मुकाबला, नए नंबर्स, नई हार जीत। ठीक है जी, दिखाइएगा जरा इनके व्यूज। हम सतरंगी में सेकंड आए लेकिन हमारी कोशिश ये है कल इंशाल्लाह हम जब आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम फर्स्ट आए। पहला सवाल अथर और सूफिया से, दोनों में से खुद को कौन ज्यादा जहीन समझता है? किसी से सबसे लजीज खाना कौन बनाता है? सबसे ज्यादा घर में खाना कौन बनाता है? हमारे तीसरे कपल अजहर और सूफिया के नंबर्स। 26 साल में फर्स्ट टाइम हमें कोई ऐसा, हम लोग इस इवेंट में आए हैं जो हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे खाना बना के देती है, जो मैं बोलता हूँ वही बना के देती है, माशाल्लाह शॉपिंग तो मेरा जीना हराम किया हुआ है सारी जिंदगी। मुझे बस खाने पकाने ये करना है वो करना है, बस तुम घर में ही लगी रहो बस, और कोई नहीं है, बस यही करते रहते हैं। और मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते हैं, पता नहीं क्या है इनको कि शॉपिंग से चिड़ हो गई इनको मेरे से कि बस शॉपिंग नहीं ले जानी। हालांकि मैं रोती रहती हूँ मुझे लेके चले लेके ही नहीं जाते। टीम नंबर थ्री के नंबर। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। एक दो तीन चार पाँच छः सात। कपल नंबर थ्री के नंबर। सतरंगी बेस्ट कपल कल हम ही बनेंगे। टीम नंबर थ्री के नंबर है 23। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। इनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, उनकी शादी को 26 साल हो गए, उनकी शादी को भी 3 साल हुए हैं। तो भाई शुरू शुरू में तो जरा और
प्यार मोहब्बत जोश जज्बा होता है, बाद में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी बीच में घुस जाती हैं कहीं इधर उधर। तो आज क्या सोचा है, क्या करना है आज? मेहनत करनी है? बिल्कुल है, बिल्कुल करनी है, करनी है बिल्कुल। चलो देखते हैं आज तुम क्या करते हो। जी दिखाइए। सतरंगी बेस्ट कपल में आज हम थर्ड पोजीशन पर आए हैं, कोशिश है कल हम फर्स्ट हों। पहला सवाल है कि जी घर में लड़ाई सबसे पहले कौन शुरू करता है? जवाब सही। टीवी देखने का शौक दोनों में से किसको ज्यादा है? शोहर का कहना है कि मुझे, बीवी का कहना है कि मुझे, यानी दोनों बहुत टीवी देखते हैं भाई। रमीज और अरूबा के कितने नंबर हैं पहले राउंड में? पहले कपल के 8 नंबर्स। जल्दी से एक साथ अपनी बीवी की तारीफ करना शुरू करें। बहुत जबरदस्त है, मैं कहीं भी उठता हूँ तो बहुत मनाती है। सांस ले लिया आपने। और जी आप अपने मियाँ की बुराई करें बगैर सांस लिए? हस्बैंड इतने बदतमीज है, कुछ सुनते ही नहीं है, जब भी कुछ बोलो सुनेंगे ही नहीं। मेरी बात तो इन्हें कभी माननी ही नहीं होती, बस जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा वही होगा। देखते हैं कि जजेस ने कितने नंबर दिए। जी 7 नंबर। फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत मजा आया, इंशाल्लाह कल फुल तैयारी के साथ आऊंगा। तो मुकाबला स्टार्ट करते हैं अब। चलिए जी, जजेस हमारे बताएंगे कि कपल नंबर 1 के कितने नंबर्स हैं। जी टीम नंबर 1 के नंबर हैं 21। इंशाल्लाह कल हम ही जीतेंगे और बेस्ट कपल बन के दिखाएंगे। देखेंगे कि आज कौन बनेगा सतरंगी बेस्ट कपल। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मौजूद जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां फातिमा को और नाइदा के लिए। क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है आप लोगों का, आज कौन जीतेगा? ये टीम जो नंबर 1 है मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंट लगती है। हाँ। कल से थोड़े कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के पास पास है। नहीं, खुश है, सब खुश है। हाँ। सब खुश हैं और वो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली टीम बी का। और टीम सी जो है वो अभी थोड़ी डरी हुई है कल की तरह, लेकिन कुछ ना कुछ आज प्लानिंग करके आए होंगे कि देखो। बिल्कुल करना है आज कुछ। कल जब आप और एनर्जेटिक हैं और अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि मुकाबले आज टफ हैं। मतलब अगर कल आई थिंक जब यहाँ से गए होंगे आप सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो। आज तक वही टॉपिक और जितने लोग मिल रहे होंगे उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, पहला जो हमने मुकाबला रखा है वो है इन लोगों की 30-30 सेकंड की तकरीर है, जो कि एक शादीशुदा जोड़े को या इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर ये तकरीर करेंगे। तो मेरा ख्याल है टीम नंबर होनी चाहिए जबेरिया, है ना? होनी चाहिए जी, मगर ये लोग क्या करते होंगे अपनी जिंदगी में। हाँ। रोज आम जी, रोजाना उसी के ऊपर इन्होंने लिखी। हाँ, है खुद ही। ओके, कि इनकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना। अच्छा। चाहिए आपस में मियां बीवी के दरमियान। सही, तो ये इन्होंने खुद ही लिखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो जी सबसे पहले आ जाइए और ये हम जज करेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल, बहुत सारी तालियां बजाइए जी टीम 1 के लिए हमारी। जी अच्छा, बॉर्डर मियाँ बीवी का एक रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसमें सबसे पहले एतमाद ज़रूरी है और मोहब्बत ऑलरेडी हो जाती है जब आप रिश्ता आदि के बंधन में बनते हैं, तो ऑलरेडी मोहब्बत हो जाती है और भरोसा एतमाद प्यार सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी और मायने रखती हैं। अगर यही चीज़ें नहीं होंगी हमारे दरमियान तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और
क्या चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें, नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए? आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं कि आपका रिलेशनशिप क्यों खूबसूरत है और क्यों खराब हो सकता है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर इसको कोई मसला होता है तो मैं इसका भरपूर साथ देता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। अब आपकी बारी है जी। जी जी जल्दी। मियाँ बीवी का रिश्ता वैसे तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, मोहब्बत होती है, और हमारा रिश्ता इस तरह से है कि अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो ये खामोश हो जाते हैं, अगर ये गुस्सा कर रहे होते तो मैं खामोश हो जाती हूँ, जो हमारे रिश्ते को मजबूत मजबूत बनाता जा रहा है। टाइम पूरा नहीं हुआ अभी आपका, इससे ज्यादा नहीं हुआ। हाय, अपने बारे में नहीं बोल सकती। और क्या नहीं होना चाहिए? शोहर गुस्सा कर रहा है तो आप उस वक्त खामोश हो जाओ, अब उसकी बात ये तो बात बोल चुकी हैं आप, मगर हो गया टाइम। अमल होता है, ये होता है, कहीं कहीं नहीं होता। नहीं नहीं, आप बोलते सब हैं करता तो 100% तो नहीं होता। अगर मेरे जी बहुत सारी तालियां इनके लिए। हाँ जी सर, 30 सेकंड है आपके पास। आपस के रिश्ते के बारे में, मियां बीवी के आपस के रिश्ते के बारे में बताएं आपके बारे में, और आपका टाइम शुरू होता है। आप मियां बीवी का रिश्ता ट्रस्ट, मोहब्बत, प्यार और एतमाद का लाजमी जरूरी था। जब तक दूसरे एक दूसरे पे एतमाद ना हो ये रिश्ता नहीं चल सकता। दूसरा ये कि फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की फैमिली, उन पे भी मुझे कि मिलजुल के चलना पड़ता है। ऊंच नीच होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दूसरे के साथ भी होते हैं, हमारी ससुरालों में भी होते हैं, लेकिन एतमाद और भरोसा जब होगा मियाँ को बीवी पर, बीवी को मियाँ के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा ना कमजोर होगा। जब जी आपका टाइम शुरू होता है अब। मियाँ बीवी का रिश्ता और हम दोनों की इतनी बॉन्डिंग है कि हम लोग एक दूसरे के इशारे से एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। मैं अगर कहीं दूर हूँ और ये कोई बात कर रहे हो, हालांकि सामने नहीं होते लेकिन एक दूसरे को पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि पापा ने यही बात की होगी तुम्हारे, जब वो आते हैं तो कहते हैं वाकई मैंने यही बात की थी। हम लोगों की बातों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जो ये सोच रहे होते हैं वो मैं घर में कह रही होती हूँ, ये आके कहते हैं भाई वाकई आपने तो यही बोला था। तो ये ट्रस्ट, ये वो रिश्ता ऐसा है, और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो अल्लाह मियाँ ने ये रिश्ता ऐसा बनाया है, अगर हमारे रिश्ते में ट्रस्ट ना हो तो सब बेकार। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस ये है कि जो है अगर आपस में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बकोस अगर ये किसी बात पे नाराज होती है तो मुझे मनाना पड़ता है, अगर ऐसा होता है कि मैं नाराज होता हूँ तो इनको मनाना पड़ता है। जब भी गाड़ी चल सकती है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये एक बंधन है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग जैसे घर में कोई लड़ाई हो जाती है तो बकोस घर वालों को हैंडल करना इनका काम है, मैं भी इनका सपोर्ट। हाँ जी, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो मैं इन्हें मनाती हूँ, मैं ही मनाती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जाहिर है औरत को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है अगर अपना घर बनाना है तो। इसी तरीके से मैं अगर ये गुस्से में होते हैं तो मैं इनकी बात मान लेती हूँ, उस वक्त मान लेती हूँ, अगर मुझे नहीं भी पसंद आती तो फिर बाद में फिर मैं मना लेती हूँ इन्हें। मगर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जैसे कि गाड़ी के दो पहिए, इसी तरीके से हम लोगों को अगर एक एक जगह एक सॉफ्ट पड़ता है एक जगह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और देखे मैं रोज 2 घंटे बोलती हूँ, एहसास हुआ आप लोगों को मेरा? 30 सेकंड के लिए बोलो कि प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है, जैसे कल कुंवर ने भी कहा और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, वो है इज्जत। अगर आप लोगों के बीच बहुत प्यार है और आप लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो वो प्यार बिल्कुल मट्टी हो जाता है, पानी हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता उस प्यार का। अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग है लेकिन इज्जत नहीं है, उस अंडरस्टैंडिंग का भी कोई फायदा नहीं। तो इज्जत बहुत जरूरी है एक दूसरे की करना, एक दूसरे के घर वालों की, एक दूसरे के एहसास की, एक दूसरे के ख्यालात की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो नंबर हम पूछते हैं कि नंबर क्या आप लोगों को दिए हैं हमारे जजेस ने, आप लोग तैयार हैं? चलिए जी, टीम नंबर 1 के जो नंबर्स हैं, जो इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया या जो भी तकरीर की, उसके नंबर्स ही बताइए जजेस। टीम नंबर 1, इनका बताइए, इनका
आसिम एंड नौशीन, राइट? जी और जी अब बारी है टीम नंबर दो, यानी नहीं ये आप आसिम और नौशीन है ना? हाँ, टीम नंबर दो की बारी है अथरुल्ला खान और सूफिया। और जी टीम नंबर थ्री यानी थर्ड टीम जो है हमारी सैयद रमीज और अरूबा। बाजी आज तो बाजी कोई और लेकर जा रहा है, जरा तेज क्या। और जी इसी मुकाबले का एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि होने वाला है यहाँ सतरंगी बेस्ट कपल का आज ग्रैंड फिनाले। वेलकम बैक जी, और अब शुरू होने वाला है मुकाबला नंबर दो यानी सेकंड राउंड, और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। और ये है फिल्मों में, ड्रामों में, अफसानों में, कहानियों में ये होता आया है कि जी शौहर जो है वो संवारता है, मेकअप करता है या तैयार करता है अपनी बीवी को। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि शौहर की जो मोहब्बत होती है वो ऐसे कैसे काम आती है और रियल लाइफ में किसने अभी तक तैयार किया है इनमें से कोई ऐसे काम लाना आपने किया है? उन्होंने किया है भैया। आपका अपना सलोन तो नहीं है कोई? नहीं, नहीं। कल आपने बाल बड़े अच्छे बनाए थे। एक्चुअली बात दरअसल ये कि जिस टीवी बैठे हैं और चैनल चेंज कर देते हैं सिर्फ यही आ रहा था, तो कहीं ना कहीं तो बंदा देखेगा ना फिर। तो देख के अप्लाई भी कर लिया। बड़ी चले तो फिर मेरा ख्याल मुकाबला शुरू किया जाए और हम अमजद अच्छा सा गाना गाएंगे, कुछ ऐसी सजने सवरने पे गाना सुना दो। ये कर दिया बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देख ले भाई, अच्छी तरह दिखा दे इन लोगों को। बिफोर दिखाइए जरा जी, बिल्कुल ये कपल नंबर दो और ये कपल नंबर थ्री। और जी गाना खत्म होगा और आपका टाइम खत्म होगा, यानी आपके पास 3 से 4 मिनट हैं, ठीक है? स्टार्ट करें जी। सुनो ना संगे मरमर किए मिनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मिनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बने दिल उड़ रहा है, सुनो ना तो जानो ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे तुम्हारा ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मिनारे,
आज तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना तो जहानो कि ये दीवारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, आज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमे मेरा रे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज सुर पे मेरे राज तुम्हारा, राज तुम्हारा। क्या हुआ? टेन क्या हुआ? क्या हुआ? टेन बैठ जाइए, तशरीफ रखिए जी। आप लोग करीब आके देखना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से नजर नजर आ रहा है। हाँ। दिखाइए, आपको पॉलर है। आपने तो अपनी शर्ट की कलर का ब्लश और उनके यहाँ चाहिए ना आपको जी। तो जजेस नंबर्स दे रहे हैं और देखते हैं कि कितने नंबर मिले हैं आप लोगों को। आप लोग बताइए, चलें आप लोगों से पूछती हूँ, आपके ख्याल में सबसे अच्छा मेकअप इन्होंने किया है? इन्होंने किया है या फिर इन्होंने किया है? अब जजेस से पूछते हैं जी। हमारी जो कपल नंबर वन है उनके नंबर बताइए जी, के उनके इस मेकअप के कितने नंबर हैं जी? और कपल नंबर टू के नंबर्स मेकअप जो किया है इनके हस्बैंड ने कितने नंबर? सेवन। कपल नंबर थ्री के नंबर्स, वैसे 3 साल हुए हैं अभी इनको ना, इनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ जी, कितने नंबर हैं? फातिमा की समझ में नहीं आ रहा अभी। मैंने वैसे ब्लश ऑन की वजह से कम किए थे, लेकिन फॉर द एफर्ट। आप आपने हाँ जी, तो नंबर्स देख लिए आप सबने। अब 2 राउंड्स हो चुके हैं और अब थोड़ा और मुश्किल राउंड एक आने वाला है, लेकिन खवातीन के लिए बहुत आसान राउंड है वो, फिर भी मैं कहूंगी मर्द हजरात के लिए जरा मुश्किल है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है सतरंगी बेस्ट कपल मुकाबला और देखेंगे आज कौन जीतेगा, कौन लेके जाएगा ट्रॉफी। वेलकम बैक जी, और मुकाबला है हमारी तमाम खवातीन के दरमियान और ये बनाएंगी खाना। इनको हमने एक जैसे इंग्रेडिएंट दे दिए हैं तमाम को, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं है, अब इनकी मर्जी है ये इसमें से एक ऐसा खाना बनाती हैं और जिसका खाना सबसे ज़्यादा लजीज होगा जाहिर है वो ही जीतेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जी, और हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी अपनी बीवियों के लिए छोटे छोटे से गाने गाएंगे। छोटे छोटे से गाने गाएंगे, ठीक है? ओए परेशान हो गया आज है, बाथरूम में तो बड़ा गाया होगा इन लोगों ने, लेकिन अब यहाँ पर गाएंगे ये लोग हैं। अच्छा, गाना अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिल्मी डायलॉग्स भी बोल सकता है। चले ठीक है, जजेस ने आसानी कर दी आप लोगों को। एक्शन डायलॉग्स नहीं बोलिएगा, थोड़े रोमांटिक डायलॉग्स। चले ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग
आपके सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, नजर आ रही हैं सबको, ठीक है, जिसका जो दिल करे बनाए, सही है। मर्द ज्यादा आ जाए, जरा आइए आइए आइए, सबसे पहले बल्कि आप लोग बाकी दो पीछे बैठ जाएं, एक इधर आ जाएं। तो भी आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई, वो बना लें आप जी, स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो गया। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ पीछे, शाबाश, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए वहाँ पे पीछे। चले जी शुरू हो गया, एक आ जाए ना भाई, आप आ जाए, एक आ जाए। मैंने कहा ये लोग स्कूल में कितना तंग करते होंगे, इतना तंग करते होंगे टीचर को, खुद जा रहे आ रहे, अरे भाई मैंने कहा एक इधर आ जाए बाकी बैठ जाए, तो फिर ये भी जा रहे हैं। तो क्या आप अपनी बेगम के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे, कोई शेर व शायरी करना चाहेंगे या कोई डायलॉग्स बोलना चाहेंगे? गाना सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे। ओए होए होए होए, उनको बता दीजिए कौन सा गाना गाएंगे, आइए हिल लेना थोड़ा, बेगम को छोड़ दे भाई, ऐसा ना हो कि गाना उनको बता दे पहले भी बुरा हो, ऐसा ना हो कि गाना बुरा हो तो फिर हाँ भी बुरा हो इफेक्ट। और इस परफॉर्मेंस के भी नंबर्स मिलेंगे आप लोगों को, आइए यहाँ खड़े हो, गाना गाए, हम सुने आपका गाना, आवाज तो अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, हमें आदत है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, सुल्फों के साए साए मेहताब उभरे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, मर्द हजरात खवातीन के साथ किचन में इस तरह गाना गाते हुए उनके साथ रोमांस करेंगे तो वो जिंदगी भर बड़े मजे से खाने पकाती रहेगी, पकाती रहेगी, पकाती रहेगी। क्यों भाई है, अगर शोहर इस तरह किचन में जाके गाना गा के बाल वाल हिला के जुल्फों पे पसीना सीना साफ कर दे तो कौन सी औरत होगी इसको पकाना पड़ेगा, वैसे ही है, ये मल्टी टैलेंटेड है ना। अच्छा जी, 26 साल मियां को हम बुलाते हैं, हम आइए जी, तशरीफ लाइए, और अब आप बताइए, आप गाना गाएंगे, शायरी करेंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? गाना गाऊंगा। गाना गाएंगे आप भी, वाह वाह, तो शुरू करें यहाँ से और फिर वहां से तराते हुए बीवी के पास उनके जाएं। फेस की एक्सप्रेशन आप चेक करें, उन पे प्रेशर पड़ रहा है क्या, मुझे भी गाना पड़ेगा। चलिए जी उनको बता दें पहले गाना कौन सा है ताकि वो वैसे ये बड़े मुझे बड़ा मजा आ रहा है। चलिए जी, हाँ जी, दियो है जो प्यार तो बड़े गाने खाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना को दूर कर दो, हाय हाय को दूर कर दो, जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना को छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है, दिया है यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना को भूल कर, हाय हाय को भूल कर,
कह रहे हैं मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता। आपको दूसरा सुना दो, दूसरा भी सुनाएंगे। चले भैया दूसरा भी सुनाएंगे, चलिए सुनाइए। चले आज अपने दिल के अरमान निकाल ले सारे, दिल से जिंदगी उधर से लग जाए। आज उन्हें मौका भी नहीं, उनको तीन सिचुएशन रहती है और इनसे पूछना है कि सिचुएशन में क्या करेंगे, तो अपने दिमाग से बात करेंगे क्या करेंगे क्या। बहुत टाइम है बस। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम ना होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम ना होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर मुझे अपने साथ ले चल, मेरा दिल जहाँ भी जाए। बहुत सारी तालियां। अब उनकी भी बारी है ना, वो सारा टाइम आप ले लेंगे तो दूसरों के साथ बैठिए जी। बहुत शुक्रिया, आपने गाना जैसा भी गाया लेकिन आपकी मोहब्बत आप नजर आ गई आपकी बेगम के लिए। आप क्या करना चाह रहे हैं? गाना ही गाएंगे। गाना ही गाएंगे। ओहो, सबके अंदर एक सिंगर भरा हुआ होता है बेचारा, जिसको बाथरूम के अलावा कहीं जिंदा आने का टाइम नहीं मिलता। आज आपने चांस दे दिया है? आपने चांस, आज चांस मिल गया। देखें सबको चांस और टॉर्चर एक साथ, जहाँ बाथरूम के कॉकरोचेस तक भाग जाते हैं हमारी बर्दाश्त देखिए। अच्छी बात की है। आओ बेटा आ जाओ। चूल्हा नहीं गर्म, गर्म नहीं हो रहा। आपने कुछ किया था इसको? बटन घुमा दे बस, रेड आ जाएगी लाइट। आप 26 साल वाली का कीमा चेक करें गार्निशिंग। देखा ना था कभी हमने ये समा, सोचा ना था कभी हमने ये समा, हो गए सपनों में हम गुम गुम। देखा ना था कभी हमने ये समा, सोचा ना था कभी हमने ये समा, हो गए सपनों में। बहुत सारी तालियां। आइए अच्छा जी, किसी को भेजिएगा जरा यहाँ पे। ये एक चूल्हा शायद जल नहीं रहा है, कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जल्दी से आ जाएं जी। और गाने आप लोगों ने सुन लिए कुछ? आप बैठिए, तशरीफ रखिए प्लीज, बैठ जाएं। अच्छा जी, हमारे जजेस कोई सवाल करना चाह रहे हैं, कुंवर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, मर्द हजरात से करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी पूछिए, आप उनके साथ बैठे जाके। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तीनों को एक एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसमें उसको एक्सप्लेन करके बताना है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। सही। और रियल लाइफ सिचुएशन है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आसिम, आसिम आपसे सवाल है जी। अगर आपको मजबूरी में या किसी भी सिचुएशन में दूसरी शादी करनी पड़े, ठीक है, और आपकी बीवी इजाजत ना दे और आपको करनी है, आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा। नहीं, आपको नहीं, करनी आपको है। दे दिए ना, आप आपको करनी आप क्या है? करेंगे? और ये राजी नहीं है। हाँ। तो फिर मनाना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। मनाएंगे? मना के बताऊं? नहीं नहीं, वैसे ही बताए ना आप। जाहिर है कुछ प्रॉब्लम शेयर करूंगा इससे मैं कि शादी मैंने क्यों करनी है, बताऊंगा वजूहात बताऊंगा, या जाहिर है कुछ उतार चढ़ाव जिंदगी में इंसान के आते हैं तो मुझे फिर इसको हैंडल करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि राजी हो जाएगी। हैं? हो जाएगी। यकीन है कि वो आपकी दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगी। ऐसा है, आप राजी हो जाएंगी? हो जाएंगे। प्रॉब्लम की नौयत देख के, प्रॉब्लम किस टाइप की है, अगर जरूरी होगा तो। अब आपने दे दिया वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। मगर मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। चल जी अथर आइए। चले जी अथर। शादी एक ही बहुत होती है भाई। अगर शादी के 26 साल बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी जो वाइफ हैं वो किसी और से मोहब्बत करती थी और आपसे शादी नहीं करना चाहती, और आपसे शादी हो गई अचानक, और आपसे शादी हो गई अचानक, और अब आपको पता चल रहा है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सिचुएशन में यही करेंगे, शादी हो गई है उसको भी कोशिश करेंगे कि वो भी करेंगे जो
पहले की बात थी वो पहले की थी, अब खत्म हो गई। अब हम आप दूसरे के जो हैं मियां बीवी हैं, अब हमने ये जिंदगी गुजारनी है और इसी में करनी है। वो मेरे को 200% उम्मीद है कि वो मान जाएगी कि ठीक है जो पहले बात थी वो खत्म। आप मानेंगे या नहीं? वो तो मान चुकी है ना, 26 साल गुजार दिए। मैं तो मान गया हूँ ना, मैं तो करना तो नहीं देंगे कभी उनको। नहीं नहीं, आपको पुरानी बात कोई आपको बुरी या नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बुरी नहीं, पुरानी बहुत शादी से पहले। और आप इस बारे में आपको पता चले तो आप उनसे बात करेंगे क्या? बिल्कुल बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि जो पहले जो हो चुका सो हो चुका, अब हम लोग मियां बीवी हैं, हम लोग शादी हो गई है। समझाएगी तो वो आपको, वो समझाएगी। आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? बस मैं इनका साथ दूंगी क्योंकि हर सिचुएशन में जब साथ देना है तो देना है। जब आप लोग सवाल नहीं समझे, सवाल नहीं समझे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो फीमेल हैं, जो आपकी वाइफ हैं, वो किसी को पसंद करती थी शादी से पहले, उनकी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन नहीं है। अच्छा। शादी से पहले, और अब आपको पता चलता है इस सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करेंगे? आप उनसे बात करेंगे, उनको कहेंगे कि मुझे पता है, या क्या क्या? मैं उनसे बात करूंगा, मैं कहूंगा मुझे पता लग गया कि आप शादी से पहले किसी को आप पसंद करती थी, ठीक है, लेकिन वो शादी से पहले की बात थी। ओके, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप पहले जिससे भी कुछ भी करती थी, लव करती थी या नहीं करती थी, रियल था, अब हम रियल हैं। बहुत पॉजिटिव जवाब दिया। अगर सच में आप ऐसे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा इस्लामिक है और चीजों को हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, हमारे आदमी डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और अक्सर लड़कियां यंग एज में कुछ गलतियां करती हैं या छोटे मोटे कोई दोस्ती हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो उनको पूरी लाइफ उसको लेकर सफर करना पड़ता है। पहले यही बात थी। तो अगर आप जैसी सोच हो लोगों की कि जो चीजों को समझें और अब ये सोचें कि अब उनकी शादी हो गई है और ये रियलिटी है, नहीं ये सवाल तो करना चाहिए था। वेरी नाइस, चले जी अब आइए, आपका पति है सवाल, आइए। हाँ जी, अरे यार मेरा पेन नहीं चला, बीवी को बताने मियां का था। जी रमीज, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पसंद की शादी है या फिर पसंद की शादी? जी बिल्कुल। कितने साल आपकी पसंद है? हम लोगों की तकरीबन पाँच साल। पाँच साल, कोचिंग हम लोगों ने साथ पढ़ा है, कोचिंग में एक साथ पढ़ा है, और पाँच साल आप लोगों की पसंद रही, और अभी छह महीने पहले आपकी शादी हुई। तीन साल पहले आपकी शादी हुई। अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानते और बोलते हैं कि आपकी शादी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए यही सिचुएशन आई थी ना, मेरे घर वाले मान रहे थे ना इनके घर वाले, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों को हैंडल किया, दोनों को मनाया पहले। ऐसा नहीं कि हम लोग भाग कर लें या ऐसे कोई कदम उठाने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि जब तक माँ बाप की रजा नहीं होगी मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। मैं भी इस बात पे एग्री था और वो भी इस बात पे थी, मैंने ये सिक्योरिटी दी थी कि हाँ अगर माँ बाप आपके नहीं मान रहे, अभी नाराज़ हैं, आप उनको मनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कर लूँ, जैसे अगर तुम कहती हो कि जो है करनी है तो करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनाना है तो मनाना है। वैसे वैसे एक बात बोलूं, इतने मासूम नहीं हो जितने लगते ये बात लगती है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि जैसे हैं वैसे हैं नहीं, जितने मासूम लग रहे हैं उतने हैं नहीं। और ये छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जैसा कि देख रहे हैं कि तीनों खवातीन ने तीन मुजरिम पे खड़े हैं साथ में आंखों में पट्टियां बांध के, और तीनों खवातीन ने ये तीनों डिशेस तैयार कर दी हैं, और मैं चाहूंगी अपने जजेस से कि वो आके चेक करें कि किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। आइए जी, उनकी नाम नमक तेज़ थोड़ा अलग भी आपके सुन, ये भी हम भी एक मिनट हम आइए।
और जितने भी मर्द हजरात हैं जरा उनकी खवातीन उनको पकड़ के यहाँ ले आए तीनों को जल्दी 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 टाइम नहीं है टाइम नहीं है जल्दी जल्दी खवातीन वापस पीछे जाए खवातीन पीछे जाइए शाबाश जल्दी आगे हो थोड़ा सा आगे हो बिल्कुल ठीक अच्छा जी और अब वन बाय वन अब हम इन मर्द हजरात को इनके बीवियों के हाथों की बनी हुई जो डिशेज हैं वो चखाएंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है वो दो डिशेज में से अच्छा पता है क्या ये प्लेट मुझे पकड़ा दो हाँ मैं तुम्हें चमचा दूंगी खाली ये तो बहुत समझ गए अच्छा जी सबसे पहले मुझे याद है याद है मैं तुम्हें दे दूँ ना अभी इसमें ऐड होंगे ठीक है नहीं वो सामने टीवी भी लगा हुआ है ना वहाँ ऐड होंगे चलो भैया करेंगे ऐड गाना वाने हाँ जी खिलाइए पापा इसके सिक्स ये ले एक हो गया अब दूसरा ये वाला खिला दो दूसरा हाँ बस आपने ये वाला है ना ये वाला खिला दिया ना हमने ये खिला दिया ना आपने हाँ जी खाया नहीं अभी तक दोबारा खाए दोबारा खाए दोबारा खाए दूसरा खाए ना दूसरा खाए हाँ अब इसमें से बताएं कि पहली वाली आपकी बीवी की है या दूसरी वाली आपकी बीवी की है पहली जवाब दूसरी और अब बारी है हमारे सेकंड जो मियां हजरत खड़े हुए मियां हजरत खड़े हुए उनकी चले जी आ जाएं जी पहली की दूसरी दूसरी जवाब दुरुस्त है जी उधर मुंह करो चला क्या नहीं ये नहीं इसने देख लिया पहली वाली है पहली पहली वाली जवाब जवाब दुरुस्त है नहीं जवाब गलत है ओ चलो अब दे दिया जवाब तो दुरुस्त है यार खास क्यों गले में थोड़ी पट्टी बांधी थी आज ही अपनी अपनी जगह पे आ जाए हाँ जी इन लोगों ने क्या आप लोगों ने पहले चखा था नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ नहीं यानी नहीं। आप लोगों ने जरा भी नहीं चखा क्योंकि इनका तो चूल्हा ही बंद हो गया था पक्का ही देर में तो चखने का सवाल ही मतलब इत्तेफाक ऐसा है एक का नमक तेज था हाँ, एक का नमक फीका था और एक का बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक था हाँ, तो ये कुछ होता है कि आप तेज रखते हैं तो मैं लेमन यूज किया था साथ में तो आई थिंक नहीं उन्होंने भी लेमन डाला था सबने सब क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स इसीलिए एक जैसे रखे थे ताकि कोई टेंशन ही ना हो आपका नमक तेज था हाँ अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद हम नंबर बताएंगे किससे कितने नंबर क्योंकि इस ये जो हमने मुकाबला किया इसमें डबल नंबर होंगे खवातीन के अलग और मर्द हजरात के अलग तो देखते रहिएगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी वेलकम बैक जी और पूछना चाहेंगे हम के जी तीसरे राउंड में क्या नंबर्स आए हैं हमारी टीम नंबर वन के एट
दिखाइएगा एक दफा फिर दिखा दीजिए जरा. हाँ जी, नंबर थ्री के नंबर थर्ड राउंड के एट. हाँ जी, क्या हुआ है? धक 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 स्पीड बढ़ गई है. अच्छा जी, अब आखिरी राउंड है और आखिरी राउंड बहुत आसान है. हम लोग अक्सर शादी ब्याहों में घर में खुशियां मनाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की तकारीब होती हैं घर में, तकरीबात होती हैं, और उसमें कभी ये होता है कि कपल डांस भी करा दिया जाता है. तो बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता. तो हर जगह बेस्ट होना चाहिए ना कपल को, तो इस जगह क्यों ना हो फिर. सही है, तो हम छोटा सा आपको कपल डांस कराएंगे यहाँ पर. और आ जाए टीम नंबर वन के लिए बहुत सारी तालियां. जी गाना लगाइए. बताने वाले हैं रिजल्ट, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बहुत ज्यादा हमारे जजेस का. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने ध्यान से और इतने मजे से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. थैंक यू सो मच एक्सप्रेस की तरफ से आप लोगों के लिए. ये लीजिए आपा, ये आपके लिए शुक्रिया. और जी आप लोगों को भी हमने पहले ही फूल पकड़ा दी, हमने कहा आप लोगों को भी दे दें. और अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ रिजल्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जी हारने वालों के लिए है 5,000 रुपए और गिफ्ट हैम्पर्स, और जीतने वाले के लिए है 10,000 रुपए यूनिक की वॉशिंग मशीन और ट्रॉफी. और ये 10,000 और 5,000 रुपए हमारे एक्सप्रेस की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग उसका शॉपिंग वॉपिंग करें. कुछ पूछना चाह रही थी आप, क्या करेंगे आप लोग पैसों का? पैसों का बेगम को दे देंगे. बेगम को देंगे या अपने पास में? मेरी बेटी का भी एडमिशन हुआ है, तो मुझे उसके लिए जरूरत थी. चले भाई, मेरी एनिवर्सरी आ रही है माशाल्लाह, मैं उसकी शॉपिंग करूंगी. आप शॉपिंग करेंगी जी. थैंक यू सो मच. और जी हमारे जो दो लोगों के बीच में टाई हो गया है, दोनों के नंबर एक जितने हो गए हैं, तो वो दोनों हमारे रनर्स अप कहलाएंगे. सॉरी, हो जाता है कभी-कभी गले में खांसी का फंदा लग जाता है. अच्छा जी, तो हमारे जो रनर्स अप हैं मिस एंड मिसेस सैयद रमीज और अरूबा. जल्दी ना, जल्दी तो सुबह कर दोगे, सुबह हो जाएगी बेटा, वो भी लेकर.
आसिम बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच। और भी इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए अपनी जगह पे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये सब चल गया है, ले आइए समा, जल्दी ले, कौन है, कौन हो सकता है, जल्दी लाए, जल्दी ले करो। और भी हमारे आज के विनर बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत ही प्यारे, आप आइए लीजिए, आप दे दीजिए वो, हालांकि उनको इसका ज्यादा शौक होगा, आ जाइए। विनर हमारे आसिम नजार नौशी, ये ले, ये ले। और जी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सबका कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? माशाल्लाह बहुत आइडियल कपल जो आप कहेंगे, बहुत स्वीट और अंडरस्टैंडिंग है इनमें, और रनर्स अब जो हैं वो भी बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने कल से और शुरू वाले राउंड से बहुत इम्प्रूव किया, आप दोनों का टाई हो गया था एंड में, और आप दोनों टाई पे हैं जी, बिल्कुल। और इधर करीब आ जाएं जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपने बोली क्या कह रही हैं? मैं ये कह थी बस, बहुत सारे कपल बहुत अच्छे थे, बिल्कुल, और इसी तरह रहना चाहिए प्यार मोहब्बत असली लाइफ। तो जी हमारा है बेस्ट सतरंगी कपल, खुश रहे, जिंदगी भर खुश रहे, और अल्लाह आप सबको खुश रखे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, और फिर मुलाकात होगी कल आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी